वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स वी स्टार्ट। सब्जेक्ट इज साइंस फॉर क्लास सेकेंड। टुडे वी रिवाइज लेसन वन इन साइंस। नेम ऑफ आवर लेसन इज टाइप्स ऑफ प्लांट। सो लेट्स रिवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट वर्ड चूज करके हमें फिलअप्स कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है हमारा द डैश हैज़ अ ट्रंक। ट्रंक कौन से प्लांट में होता है, पम्पकिन प्लांट में या नीम ट्री में? तो किस में होता है, नीम ट्री। करेक्ट आंसर आप फिल करोगे नीम ट्री। द नीम ट्री हैज़ अ ट्रंक। नीम ट्री में ट्रंक होता है। बी है हमारा सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड डैश। जो सीड्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं, फ्रूट्स में या लीव्स में? तो सीड हमारी किस में प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स में। क्या राइट करोगे यहाँ पे, फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट इज सी द मनी प्लांट इज अ डैश। जो मनी प्लांट है वो किस तरह का प्लांट है, शर्ब है या क्लाइंबर है? तो मनी प्लांट हमारा क्या है, क्लाइंबर्स है। क्या है, क्लाइंबर है। तो आप फिल करोगे क्लाइंबर। डी है हमारा डैश फिक्स द प्लांट टू द सॉयल। कौन सा प्लांट का पार्ट उसे सॉयल में फिक्स करता है, फ्रूट्स या रूट्स? तो कौन फिक्स करता है सॉयल पे, रूट्स। कौन करते हैं, रूट्स। तो फिल करोगे यहाँ पे रूट्स। ई है हमारा ग्रास एंड कोरिएंडर आर डैश। ग्रास और कोरिएंडर क्या है, हमारे शर्ब्स हैं या हर्ब्स हैं? तो ग्रास और कोरिएंडर लीफी प्लांट्स हैं, ये क्या है, हमारे हर्ब्स हैं। क्या है, हर्ब्स हैं। सेकेंड है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी राइट करोगे, फॉल्स के लिए एफ राइट करोगे। ए है हमारा हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम। जो हर्ब्स होती हैं उनके स्टेम्स कैसे होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट करोगे यहाँ पे ट्रू, हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम्स, ट्रू। बी है हमारा लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स है, पत्तियाँ हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फूड प्रोड्यूस करती हैं प्लांट के लिए। लीव्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फूड प्रोड्यूस करती है प्लांट के लिए। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या राइट करोगे, ट्रू। सी है हमारा फ्लावर प्रोड्यूस लीव्स। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फ्लावर प्रोड्यूस लीव्स, फ्लावर लीव्स प्रोड्यूस करते हैं। नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट हेयर फॉल्स। ग्रेप वाइन इज अ श्रब। श्रब जो ग्रेप वाइन है वो श्रब है? नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। राइट करोगे फॉल्स। ग्रेप वाइन हमारा क्या है, ग्रेप वाइन हमारा क्लाइंबर्स में आता है, नो ना कि श्रब्स में। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम। ट्रीज जो है उसकी स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होती है। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। राइट हेयर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द टाइप्स ऑफ प्लांट। पिक्चर्स को देखना है और किस तरह का वो प्लांट है वो बताना है आपको। तो बेटा सी हेयर दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रोज़ प्लांट। किसकी पिक्चर है ये, रोज़ प्लांट की है। रोज़ प्लांट हमारा किस में आता है, शर्ब्स में। किस में आता है, शर्ब्स में। तो राइट करोगे शर्ब्स। शर्ब्स कैसे होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं और जिनकी लीव्स कैसी होती है, सॉरी स्टेम जो होती है थोड़ी वुडी होती है। तो दिस इज कम्स इन कैटेगरी ऑफ शर्ब्स। राइट करोगे यहाँ पे शर्ब्स, एस एच यू आर बी एस, शर्ब्स। सेकंड ये हमारा कैसा प्लांट है, ये हमारा है मैरीगोल्ड का प्लांट। ये किस में आता है, हमारा हर्ब्स में। हर्ब्स कैसे प्लांट होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं और बहुत वीक होते हैं और लीफी प्लांट्स होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती है। तो ये आते हैं हमारे हर्ब्स में। किस में आते हैं ये, हमारे हर्ब्स में, एच ई आर बी एस, हर्ब्स। राइट करोगे एच ई आर बी एस, हर्ब्स। सी है हमारा
देखो बेटा, सी हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रेप वाइन. किसकी पिक्चर है ये? ग्रेप वाइन की पिक्चर है. ये किस में आता है हमारा? कौन से टाइप का प्लांट है ये? हमारा है क्लाइंबर. तो राइट करोगे यहाँ पे क्लाइंबर, CLIMBER, क्लाइंबर्स, CLIMBER, क्लाइंबर्स. नेक्स्ट है हमारा डी. सी हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वाटरमेलन. वाटरमेलन की पिक्चर है बेटा ये. किस में आता है वाटरमेलन? ये आता है हमारा क्रीपर में. कैसे ग्रो करते हैं ये? ये ग्राउंड में ये फैलते जाते हैं. तो दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, सो दीज आर नोन एज क्रीपर. इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं. तो राइट करोगे यहाँ पे क्रीपर, CREPER, क्रीपर, CREPER, क्रीपर. नेक्स्ट देखो बेटा, ये किसका पेड़? दिस इज़ द ट्री, अ टाइप ऑफ ट्री, बनियन ट्री है शायद ये हमारा. तो ये आता है हमारा ट्री की कैटेगरी में. क्या राइट करोगे यहाँ पे? ट्री, TREE, ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th. मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए को हमें कॉलम बी से मैचअप करना है. ए है हमारा बिग टॉल प्लांट्स. बिग और टॉल प्लांट्स किस में आते हैं हमारे? शर्ब्स में, क्लाइंबर्स में, ट्रीज में, क्रीपर्स में या हर्ब्स में? तो बिग और टॉल प्लांट हमारे किस में आएंगे? ट्रीज में. तो मैच ऑप्शन ए विथ थर्ड वन, दैट इज ट्रीज. किस से मैच करोगे इसको? ट्रीज से. राइट हेयर नंबर 1 से इसको मैच कर दोगे. ट्रीज, बिग एंड टॉल प्लांट. सेकेंड है हमारा स्मॉल लिफी प्लांट्स. स्मॉल और लिफी प्लांट्स, छोटे लेकिन पत्तेदार जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? शर्ब्स, क्लाइंबर, हर्ब्स, क्रीपर या सॉरी शर्ब्स, क्लाइंबर, ट्रीज, क्रीपर्स या हर्ब्स? तो स्मॉल और लिफी प्लांट्स हमारे किस में आते हैं? हर्ब्स में आते हैं. किस में आते हैं बेटा? हर्ब्स में. तो मैच करोगे इसको हर्ब्स से. राइट हेयर नंबर 2, हर्ब्स. किस से मैच करोगे इसको? हर्ब्स से. राइट करोगे विथ, मैच विथ 5th, दैट इज हर्ब्स. सी है हमारा शॉर्ट बुशी प्लांट विथ वुडी स्टेम. शॉर्ट है बुशी प्लांट, यानी झाड़ीदार प्लांट्स हैं, लेकिन इनके स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है. तो ये कौन से, किस टाइप के प्लांट्स हैं हमारे? क्लाइंबर, सॉरी सर्ब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, ट्रीज हमने मैच कर दिया, क्रीपर्स हैं, हर्ब्स भी मैच कर दिया. हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, शर्ब्स, क्लाइंबर या क्रीपर्स. तो शॉर्ट बुशी प्लांट विथ वुडी स्टेम्स कैसे होते हैं? कौन से प्लांट्स होते हैं ये हमारे? ये हमारे आते हैं शर्ब्स की कैटेगरी में. कौन से, किस में आते हैं? शर्ब्स में. तो इसको मैच करोगे आप शर्ब्स से. राइट हेयर नंबर 3 वाले को मैच करना है शर्ब से, फर्स्ट से. डी है हमारा ग्रो विथ द सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, वॉल्स और अदर स्ट्रक्चर. ये किसकी हेल्प से ग्रो करते हैं? किसी स्टिक की हेल्प से, किसी डंडे की हेल्प से, या वॉल या अदर स्ट्रक्चर की हेल्प से ग्रो करते हैं. किस में आएंगे हमारे? क्रीपर्स में और क्लाइंबर्स में. 2 ऑप्शन हमारे बचे, क्लाइंबर्स या क्रीपर्स. तो ग्रो विथ द सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, वॉल्स और अदर स्ट्रक्चर. तो ये ग्रो करते हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स को किसी स्टिक, वॉल या अदर स्ट्रक्चर की हेल्प चाहिए ग्रो होने के लिए, अदरवाइज ये ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो क्लाइंबर मैच करोगे इसको क्लाइंबर्स से. किससे? क्लाइंबर्स से. दे नीड टू अदर सपोर्ट टू क्लाइंब. ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए इन्हें किसकी, दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है हमारा ई इज़ क्रिप अलोंग द ग्राउंड. क्रिप अलोंग द ग्राउंड, वो प्लांट्स जो कि ग्राउंड में ही क्रिप करते हैं, ग्राउंड में ही फैलते हैं, वो कौन से प्लांट्स होते हैं? क्रीपर्स. दे आर नोन एज क्रीपर्स. उनको आप क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. तो इसको मैच करोगे 4th से क्रीपर, दैट इज़ मैच विथ even. राइट हेयर नंबर 5 एंड मैच विथ ई ऑप्शन, दैट इज क्रीपर. ओके डियर स्टूडेंट, लर्न दिस बुक वर्क 1-4 प्रॉपरली फॉर योर एग्जाम्स.
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class 2. As you know, we revise our syllabus. So today we revise lesson 10 in English reader. Name of our lesson is The Calendar. इस चैप्टर में बेटा आपको कैलेंडर के बारे में बताया गया है, जिसमें हर चैप्टर में क्या होती है, डेट्स एंड डेज दी गई होती है और मंथ के नेम दे रखे होते हैं. हर 12 पेजेस होते हैं या एक पेज में ही 12 मंथ के नेम दिए होते हैं. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज ए बी सी डी हैज़ बीन डन इन प्रीवियस वीडियो एंड वर्ड मीनिंग इज ऑल्सो revise. So today we revise exercise E, that is question answer. Question 1. What did Deepak's mother ask him to read? I repeat again. What did Deepak's mother ask him to read? जो दीपक की mom थी, mother थी, वो उससे क्या पढ़ने के लिए कहती है? तो answer आपका होगा Deepak's mother asked to read Day's name. क्या पढ़ने के लिए बोलती है वो उसे? Day's के name, दिनों के नाम पढ़ने के लिए कहती है. So I repeat this answer once again. Deepak's mother asked to read Day's name. डेज के दिनों के नाम उसे पढ़ने के लिए कहती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक? विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक? वीक एक सप्ते का आखिरी दिन कौन सा होता है? तो संडे इज़ द फर्स्ट डे एंड लास्ट डे इज सैटरडे. कौन सा डे होता है लास्ट डे? सैटरडे. तो आंसर आप लिखोगे सैटरडे, SATURDAY. सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. आपको लर्न सिर्फ इतना करना है सैटरडे, और सब आपका कहाँ से लिखना है? क्वेश्चन में से. ये इसका आंसर है. ओके, तो आंसर क्या लिखोगे? सैटरडे is the last day of the week. जो सैटरडे है वो वीक का एक सप्ते का लास्ट डे होता है, आखिरी दिन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? ये आपको सबको पता है ना, हाउ मैनी मंथ आर देयर इन अ ईयर? एक ईयर में, एक वर्ष में कितने मंथ्स होते हैं, यानी कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. आपको पता है ना 12 मंथ होते हैं. तो आंसर आप लिखोगे देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. आई रिपीट आंसर वंस अगेन. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. एक साल में 12 महीने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. विच इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर? आई रिपीट अगेन. विच इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर? साल का फोर्थ मंथ यानी चौथा महीना कौन सा होता है? तो बेटा जनवरी फरवरी सबको आती है ना, तो जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है. तो आप फिंगर्स पे काउंट करो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल. तो फोर्थ प्लेस पे कौन सा मंथ आएगा हमारा? अप्रैल. कौन सा मंथ आता है फोर्थ प्लेस पे? अप्रैल. तो आंसर आप लिखोगे अप्रैल इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर. आई रिपीट अगेन, अप्रैल इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर. जो अप्रैल है वो साल का चौथा महीना होता है.
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज एफ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे हम. क्वेश्चन वन, व्हाट इज अ लीप ईयर. लीप ईयर क्या होती है. व्हेन डज इट कम. आई रिपीट अगेन, व्हाट इज अ लीप ईयर. लीप ईयर क्या होती है. व्हेन डज इट कम, और ये कब आती है. तो आंसर आप राइट करोगे, ए ईयर विच हैज़ 366 डेज इज नोन एज लीप ईयर. इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स. आई रिपीट अगेन, अ ईयर विच हैज़ 366 डेज इज नोन एज लीप ईयर. वो वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, उसे लीप ईयर कहा जाता है. ए ईयर विच हैज़ 366 डेज इज नोन एज लीप ईयर. वो साल जिसमें 366 डेज होते हैं, उसको हम लीप ईयर कहते हैं. इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, और ये कब आता है, हर 4 वर्ष के बाद ये आता है. ओके, हर 4 वर्ष के बाद ये आता है. क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है, हाउ कैन वन लर्न नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ. आई रिपीट अगेन, हाउ कैन वन लर्न नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ. आप कैसे लर्न कर सकते हो कि कितने डेज होते हैं मंथ में. हर मंथ 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, तो हर मंथ में किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं, और फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं. तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं ये कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं. तो आंसर राइट करोगे, वी कैन लर्न नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ विद द हेल्प ऑफ गिवन राइम. वी कैन लर्न नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ विद द हेल्प ऑफ गिवन राइम. हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं नंबर ऑफ डेज किसकी हेल्प से. ये गिवन राइम जो दिया हुआ है, गिवन पोएम दी हुई है, उसकी हेल्प से हम याद लर्न कर सकते हैं कि कितने डेज होते हैं हर मंथ में. तो लर्न करोगे, ये राइम आपके चैप्टर में भी दी हुई है. 30 डेज हैज सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. तो हमें फर्स्ट लाइन याद करनी है, 30 डेज हैज सेप्टेम्बर. 30 डेज जो होती हैं वो 4 मंथ में होती हैं, सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. ये 4 मंथ है, सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. ऑल द रेस्ट हैव 31, और जो बचे उसकी 31 डेज होती हैं, लिविंग फेब्रुवरी अलोन, जिसमें फेब्रुवरी को छोड़ देना है क्योंकि, एंड दैट हैज़ 28 डेज क्लियर, जिसमें 28 डेज सिर्फ होते हैं, एंड 29 इन ईच लीप ईयर, और 29 होती है हर लीप ईयर में. तो आई रिपीट दिस राइम वंस अगेन, 30 डेज हैज सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर. 30 डेज होते हैं किस किस मंथ में, 4 मंथ होते हैं हमारे, यही लर्न कर लो, और ज़्यादा लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है. सेप्टेम्बर, अप्रैल, जून एंड नवंबर 30 डेज हो गए. ऑल द रेस्ट हैव 31, और जो बच गए उनमें 31 हो गई. लिविंग फेब्रुवरी अलोन, जिसमें फेब्रुवरी को छोड़ देना है, एंड दैट हैज़ 28 डेज क्लियर, क्योंकि उसमें सिर्फ 28 डेज होते हैं, एंड 29 इन ईच लीप ईयर, और 29 होते हैं हर लीप ईयर में. ओके डियर स्टूडेंट, लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स फॉर योर एग्जाम्स प्रॉपरली. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ आज पाठ 6, संज्ञा भागवचन. लड़का खड़ा है, लड़के खड़े हैं. पतंग उड़ती है, पतंगे उड़ती हैं. ऊपर के वाक्यों में लड़का और पतंग अपनी एक संख्या का बोध करा रहे हैं. लड़का और पतंग एक संख्या का बोध करा रहे हैं, और लड़के और पतंगे
संख्या में एक से अधिक होने का बोलकर आ रही है, लड़के ज़्यादा है ना और पतंगे भी ज़्यादा है, तो ये संख्या में ज़्यादा होने का बोलकर आ रहे हैं। तो वचन की परिभाषा क्या बनेगी? वचन शब्द का वह रूप है जो उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। वचन शब्द का वह रूप है जो उसके संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। अब आता है वचन के प्रकार। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने प्रकार बताए वचन के? दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं वे एक वचन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे चूहा, नौका, घंटी, ये संख्या में क्या है? एक होने के बारे में बता रहे हैं। और बहुवचन क्या है? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, एक से ज़्यादा होने का, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे चूहे, नौकाएँ, घंटियाँ, ठीक है। एक वचन क्या होता है? जो संज्ञा शब्द संख्या में एक होने का बोध कराते हैं, और बहुवचन जो संज्ञा शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। यहाँ कुछ एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। एक वचन का बहुवचन रूप दिया गया है, हम उनको पढ़ेंगे। तोता, तोते, केला, केले, गधा, गधे, लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, दरवाज़ा, दरवाजे, बच्चा, बच्चे, कमरा, कमरे, थैला, थैले, गाय, गायें, माला, मालाएं, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, बेटा, बेटे, बकरा, बकरे, पाठशाला, पाठशालाएं, खिड़की, खिड़कियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, कहानी, कहानियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, बकरी, बकरियाँ, दासी, दासियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ, रानी, रानियाँ, बोतल, बोतलें, खिलौना, खिलौने। हम अपने बड़ों तथा महान लोगों का आदर करते हैं, इसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया पढ़ रहे हैं, भैया तो एक ही है, लेकिन यहाँ क्या इस्तेमाल किया गया? बहुवचन क्रिया इस्तेमाल की गई है, तो ये बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दादाजी घूमने गए हैं, नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी एक ही थे या था आना चाहिए, लेकिन यहाँ थे का प्रयोग हुआ है उनको सम्मान देने के लिए। हमारे प्रधानाचार्य जी आ गए हैं, ठीक है। तो अपने से बड़ों तथा महान लोगों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ाया आप सभी को, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा, एक वचन से बहुवचन बनाने, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अपने पाठ से अच्छे से याद करनी है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर एसएसटी क्लास ऑनलाइन। डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास सेकंड, टुडेज अवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 6, अवर नेबरहुड। डियर स्टूडेंट्स, इन अवर प्रीवियस वीडियो वी विल रिवाइज दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। आई होप यू लर्न कम्प्लीटली, एंड टुडे वी विल रिवाइज दिस चैप्टर एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द रिविजन। In our chapter number 6, our exercise number A is tick the correct options. Our first question is, we deposit money in A dash. हम अपने जो पैसे हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैंक, BANK। वी डिपॉजिट मनी इन ए बैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, वी गेट बुक्स, पेन, पेंसिल्स एटसेट्रा फ्रॉम ए। हम बुक, पेन, पेंसिल्स जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टेशनरी। वी गेट बुक्स, पेन, पेंसिल्स एटसेट्रा फ्रॉम ए स्टेशनरी, STATIONERY, स्टेशनरी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर आवर डैश। जो लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं वो हमारे क्या
कहलाते हैं? नेबर्स, पड़ोसी कहलाते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. NEIGHBOURS, नेबर्स. नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ए केमिस्ट सेल्स डैश. जो एक केमिस्ट होता है वो क्या सेल करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेडिसिन. MEDICINES, मेडिसिन. ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन. नाउ अवर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सिस इन ए. हमारे पास किसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सिस होती हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हॉस्पिटल. HOSPITAL, हॉस्पिटल. नाउ एक्सरसाइज नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिव इन द बॉक्स. ब्लैंक्स फिल करने हैं जो सुटेबल वर्ड्स आपको बॉक्स में दिए हुए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज चिल्ड्रन गो टू पार्क टू डैश. बच्चे जो हैं वो पार्क में जाते हैं किस लिए? खेलने के लिए. प्ले, PLAY. चिल्ड्रन गो टू पार्क टू डैश, यानी कि चिल्ड्रन गो टू पार्क टू प्ले. बच्चे खेलने के लिए पार्क में जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ए डॉक्टर ट्रीट्स डैश एंड इंजर्ड पीपल. जो एक डॉक्टर होता है वो घायल और किन लोगों को ट्रीट करता है? बीमार लोगों को, सिक पीपल्स. ए डॉक्टर ट्रीट सिक एंड इंजर्ड पीपल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स थ्रू द डैश. हम जो अपने लेटर्स हैं वो भेजते हैं और प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? पोस्ट ऑफिस के द्वारा. POSTOFFICE. वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन ए डैश. लोग जो हैं वो अपना पैसा कहाँ पर जमा करवाते हैं? बैंक में, BANK. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड डैश. हमें अपने पड़ोस को हमेशा कैसा रखना चाहिए? ग्रीन, GREEN, ग्रीन. नाउ एक्सरसाइज नंबर सी इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए कन्फेक्टर सेल्स केक एंड अदर स्वीट फूड्स. एक जो हलवाई होता है वो केक्स और अदर स्वीट फूड, अदर मिठाइयाँ बेचता है. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज पुलिसमैन कैच थीव्स एंड रोबर्स. जो पुलिसमैन होता है वो चोर और लुटेरों को पकड़ता है, तो ये कैसे स्टेटमेंट है? ट्रू है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज ए पार्क हैज मैनी एनिमल्स. एक पार्क जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ए नर्स लुक आफ्टर द सिक पीपल. एक जो नर्स होती है वो बीमार लोगों को बाद में देखती है, यानी कि पहले डॉक्टर देखता है उसके बाद नर्स देखती है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ए फायर स्टेशन हैज ए फायर ब्रिगेड. एक जो फायर स्टेशन होता है उसके अंदर फायर ब्रिगेड होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज. यू लर्न कम्प्लीटली द एक्सरसाइज. Thank you. Good morning, student. Welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing basic questions of computer for SC1 revision. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर इज डन इन. जो कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे होती है? CPU. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU. सेकेंड क्वेश्चन इज ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स. फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट है हरमन होलरिच, सेकेंड है ग्रेस होफर, थर्ड है चार्ल्स बेबेज, फोर्थ है न्यूटन. तो क्या होगा इसका? सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज. क्वेश्चन थर्ड है फॉर सिंगिंग द आउटपुट यू यूज. आउटपुट के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? ए मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस, फोर्थ स्कैनर. तो क्या होगा इसका? मॉनिटर. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस और मॉनिटर इज लुक लाइक ए टीवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंटर इज ए डिवाइस विच. प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस? इसका फर्स्ट है ए इनपुट, सेकंड है आउटपुट, थर्ड बोथ या फिर नन ऑफ दिस. इसका होगा प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस. प्रिंटर गिव अस हार्ड कॉपी आउटपुट. जैसे मॉनिटर क्या देता है हमें? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. वैसे ही प्रिंटर क्या देता है? हार्ड कॉपी आउटपुट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, माउस इज ए डिवाइस विच, माउस किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट आउटपुट बोथ या नन ऑफ दीज। तो माउस इज एन इनपुट डिवाइस, माउस इज एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है ए स्कैनर स्कैन, स्कैनर से हम क्या स्कैन कर सकते हैं, ए पिक्चर, सेकंड बी टेक्स्ट, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका, सी, हम पिक्चर भी स्कैन कर सकते हैं और टेक्स्ट भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ की इन ए कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, टोटल कितनी कीज होती है, 104, यहाँ पे कितनी होगी 104। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कीबोर्ड इज ए डिवाइस विच, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। All student do all these question very carefully. Thank you. Have a nice day.